الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. आज हम लोग पढ़ेंगे सूरह ज़िलज़ाल. ठीक है, इसे सूरह ज़लज़ला भी कहा जाता है और इसमें परवरदिगार आलम ने उन तमाम चीज़ों के बारे में बताया है और ज़लज़ले का ज़िक्र किया है कि उस वक्त क्या आलम होगा. इस सूरह के बारे में इसकी जो है फजीलत भी काफ़ी बयान है. उसके अलावा इस सूरह में जो मज़ामीन है, उसके मेन जो पॉइंट्स हैं, वो इसमें तीन चीज़ें इस सूरह में बताई गई हैं. ध्यान दिया गया है, दिलाया गया है इंसान का उस पर, उसके लिए कि इसमें दो चीज़ों, दो गिरोहों के का जिक्र हुआ है कि एक नेकोकार और एक बदकार. तो ये दो मज़ामीन पर मुश्तमिल सूरह है और इसकी फजीलत भी हम लोग जो है पढ़ेंगे. तो पहले इसकी तिलावत करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. ये जो सूरह है, सूरह ज़िलज़ाल, कल हम लोगों ने पढ़ा था सूरह वलआदियात के बारे में. उसमें अच्छा, अब कल वाली जो सूरह थी उसके जो उसका जो मेन टॉपिक था, कोई बता सकता है? किसी को याद है या भूल गए आप लोग? मेन टॉपिक क्या था उसमें? परवरदिगार आलम ने किसकी कसम खाई थी, किस बारे में बात की थी अल्लाह ने? परवरदिगार आलम ने घोड़ों की कसम खाई थी, तेज सांस लेते हुए घोड़ों की कसम, तेज सांस भरते हुए घोड़े की कसम, तेज रफ्तार, फर्राटे भरते हुए तेज रफ्तार घोड़ों की कसम. और इसका मकसद क्या था कि इंसान को अल्लाह ने तवज्जो दिलाई थी कि तुमसे अच्छे तो वो घोड़े हैं कि जो दुश्मन की फौज में डर आते हैं बिला खौफ खतर. तो इसमें जो है उन लोगों के लिए भी अल्लाह ने लोगों की भी मजम्मत की है कि जिनकी नज़र में माल और मोहब्बत दुनिया जो है वो ये तमाम चीज़ें मायने रखती हैं. और अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया था कि मुर्दों को कब्रों से निकाला जाएगा. तो इस सूरह में भी, यानी कि जो सूरह आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सूरह ज़लज़ला, इसमें भी कुछ इसी तरीके का जिक्र हो रहा है कि जब क़यामत आएगी तो क्या मंज़र होगा, क्या आलम होगा. तो ये सूरह जो है, इसे सूरह ज़लज़ला कहते हैं. जो भी सूरह आप लोग पढ़ें, उस सूरह को उसके नाम के साथ याद रखें, न कि उसकी आयत के साथ. ठीक है, तो इस सूरह का नाम क्या है? ज़लज़ला. और कल हम लोगों ने पढ़ी थी आदियात. तो आज का जो सूरह है उसमें परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया है, हम लोग उसकी तरफ देखते हैं. चलिए इसका तर्जमा देख लें, फिर उसके बाद इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे बयान करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन ज़ोरों के साथ ज़लज़ले में आ जाएगी. फिर उसके बाद क्या फरमाए परवरदिगार ने? व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और वो सारे खजाने निकाल डालेगी. व क़ाल अल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि उसे क्या हो गया है. यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा,
उस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी। بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا कि तुम्हारे परवरदिगार ने उसे इशारा किया है। يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا कि उस रोज सारे इंसान जो हैं वो गिरोह दर गिरोह कब्रों से निकलेंगे ताकि अपने आमाल को देख सकें। يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ताकि वो अपने आमाल को देख सकें। फिर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि फिर क्या होगा, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ फिर जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर नेकी की है वो उसे देखेगा। وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ फिर जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की है वो उसे देखेगा। तो परवरदिगार आलम किस तरह से क़यामत की ख़बरें देता हुआ नज़र आता है खुदावंद मुतआल, और इसकाल के मायने क्या होते हैं। इसकाल के मायने होते हैं तमाम ख़जाने जो है वो ज़मीन निकाल बाहर फेंकेंगी। अब तमाम ख़जानों में क्या आता है, मुर्दे भी शामिल हैं, कि जब ज़मीन तमाम चीज़ों को जब उगल देगी यानी बाहर फेंक देगी, किस दिन, जब ज़मीन को ज़ोरों के झटके आएंगे, जब जलजले के झटके होंगे, किस कदर वो मंज़र जो है खौफनाक मंज़र होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है परवरदिगार जानता है, या जो उस रोज़ जो लोग मौजूद होंगे रोज़े क़यामत, तमाम इंसानों को इसका मज़ा जो है वो चखना पड़ेगा। तो ये सारा मंज़र जो है वो उसी दिन इंसान के ऊपर जब गुज़रेगी तब पता चलेगा, लेकिन अल्लाह ने पहले से जो एक बेस बना दिया है, जो एक इशारा दे दिया है कि कैसा आलम होगा क़यामत का, कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा जब ज़मीन ज़ोरों के साथ ज़लज़ले में आ जाएगी। अब यहाँ पर रुक के एक चीज़ गौर करने वाली है, मेरे ख़्याल से 2015 या 16 शायद 15 में ही जलजला आया था ना, अप्रैल में पहला जलजला, और उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा अपने होश में, और मैंने भी पहली मर्तबा ही जलजला देखा था, और वो कितना बिल्कुल माइनस में होता है, कुछ सेकंड्स का होता है वो, और रिएक्टर स्केल पे उसकी जो स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा वाली, मतलब जिस जलजले के झटके की बात अल्लाह कर रहा है उससे तो माइनस में थी वो, कुछ भी नहीं था वो। और उतने में हम लोग कितना परेशान हो गए थे, कितना हम लोग घबरा गए थे, किस कदर बेचैन हो गए थे, हमारे पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे, हम संभलना चाह रहे थे लेकिन हम संभल नहीं पा रहे थे। कितना खौफनाक दिन था वो कि जब जलजला आया था और लोग अपने घरों से बाहर की तरफ भाग रहे थे, और जो जैसे जिस आलम ने अपनी जान बचा सके, कि यहाँ तक कि जब वो जिसका ऊपर घर था, माले पे घर था, वो सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रहा था, ये आलम था, और बहुत खौफनाक वो मंज़र था, बहुत खौफनाक वो आलम था। परवरदिगार आलम हम सब पे रहम करे रोज़ क़यामत के। ऐ अल्लाह, हम तो इतने छोटे से जलजले के झटके को भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, खुदावंदे करीम हम लोग उस रोज़ को कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जब इस कदर ज़मीन को झटका दिया जाएगा, इस कदर ज़मीन लर्जा होगी खुदाया, कि जब ज़मीन के तमाम जो ज़मीन के अंदर जो कुछ दफन है वो सब बाहर आ जाएगा, जितने भी उसके ख़जाने हैं सब बाहर आ जाएंगे, और उसमें वो भी है कि जो मुर्दे हैं वो भी ज़मीन से बाहर आ जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर मनाजिर क़यामत में ये दो बातें खसूसियत के साथ जो है वो काबिल तवज्जो हैं, कि सारे इंसान कब्रों से गिरोह दर गिरोह मुतफर्रिक अंदाज में बरामद होंगे, यानी कि कोई किसी काम आने वाला नहीं है, सब बिल्कुल परेशान होगा, लोग हैरान होंगे। इसीलिए तो बार बार जो है पनाह मांगने के लिए कहा गया है उस रोज़ से, कि जिस रोज़ कोई किसी को पहचानेगा नहीं, वो आलम नफसा नफसी का आलम होगा, और ऐसा आलम होगा कि इंसान बेचैन होगा, परेशान होगा, और कोई किसी को नहीं जानेगा, कोई किसी की तरफ पलट के देखने वाला नहीं है,
हर कोई अपने में मुबतला होगा और इस हैरानी और परेशानी में एक भूख आलम होगा। और उस वक्त जो है दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जो हर शख्स को उसके आमाल को आमाल दिखला दिए जाएंगे उस रोज़, और किस तरह से दिखला दिए जाएंगे, यानी कि सारे आमाल जो है वो फ़ज़ाए बसीत में महफूज हैं इस कायनात में, इस ज़मीन पे तमाम हमारे आमाल जो है ना, ये ज़मीन उसकी गवाही देगी, चाहे वो हमने अच्छे आमाल किए चाहे वो बुरे आमाल किए हैं, ये ज़मीन, इस ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो हमारे आमाल की गवाही देगा। परवरदिगार से हमें हमेशा ये दुआ करना चाहिए कि खुदावंदे करीम जो गफूर रहीम है हमारी गुनाहों को बख्श दे, और परवरदिगार आलम हमें दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए, चाहे वो दुनिया हो चाहे वो आखिरत हो। खुदावंदे करीम हमारे नाम आमाल को हमारे दाहिने हाथ में दे। खुदावंदे करीम उस रोज़ हमें ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए। ये ज़मीन जो है बाजी जो है तफसीर में ये भी बयान किया गया है रसूल खुदा से कि ज़मीन जो है वो माँ है हमारी, और जो ज़मीन माँ है वो हमारे हर राज से वाकिफ़ है, और जब क़यामत आएगी तो उस रोज़ जो है तब सबके राज भी जो हैं वो आया हो जाएंगे, और इस फ़ज़ा में तमाम जो राज हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो बिखर जाएंगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो महफूज हैं और इंसान के सामने पेश कर दिए जाएंगे उसके तमाम आमाल, ताकि वो उसका इनकार भी ना कर सकें कि परवरदिगार आलम दलील के साथ गुफ्तगू करने वाला है वो खुदावंदे करीम, क्योंकि इंसान जो है वो झुठला देने वाला है। इंसान के अंदर ये सिफत पाई जाती है, ताहिरा आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए, कि इंसान जो है उस दिन झुठला भी ना सके, इनकार भी ना कर सके, कि उस रोज़ सबूत और दलील के साथ अल्लाह की पकड़ होगी। खुदावंद करीम उस वक्त हम पे रहम फरमाए परवरदिगार आलम, कि जब ऐसा दिन हो। खार सबा बेटा आप भी अपना माइक बंद कर दीजिए। अपना सवाल पूछनी थी आपसे। जी बोलिए। दलील का मतलब क्या होता है? दलील का मतलब होता है कि आप कोई सबूत लेकर आई अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंस उसका देना पड़ेगा ना, तो ये दलील है। मिसाल के तौर पे जो है ये कायनात क्या है, ये दलील है अल्लाह के वजूद की, ये दुनिया दलील है कि परवरदिगार मौजूद है, इसका चलाने वाला मौजूद है ना, ये सबूत है, ठीक है कि अल्लाह मौजूद है, ये दुनिया अपने आप नहीं चल रही है बल्कि इस दुनिया का चलाने वाला मौजूद है। क्योंकि बाज़ ऐसे अफराद भी हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया में तमाम चीज़ें अपने आप बन गई हैं और इनका कोई मालिक नहीं है, इनका कोई देखने वाला नहीं है, और सब लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इस ज़मीन पे सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, ना उनका एतमाद दुनिया के आगाज़ पे है, ना उनका एतमाद दुनिया की इंतहा पे, यानी उनका कहना है कि इंसान भी घास फूस की तरह वो उग गए हैं। तो ऐसे लोगों को दलील और सबूत के ज़रिए कायल करना पड़ता है कि जो सामने से हमारी बात अगर नहीं मान रहा, और अल्लाह ने भी इस कुरान में दलीलों और सबूतों के ज़रिए ही अल्लाह ने बात की है जगह जगह, तो ये इसके मायने होते हैं, यानी दलील के मायने हैं कि आप कुछ ऐसा मजबूत गवाह, कुछ ऐसा मजबूत सबूत दीजिए कि जिससे आपकी बात जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाए, यानी सामने वाले के पास उसे रद्द करने का कोई जवाब नहीं बाकी हो। ठीक है, समझ में आया आपकी? सबा समझ में आ गया? जी आपा। ओके, माइक बंद कर दीजिए। और
उस रोज के जब इंसान के आमाल इस फजा में, जब खुदावंदे करीम जो है जब ज़मीन को हुक्म देगा, जब जलजले के झटके आएंगे और कैसा क़यामत खेज मंजर होगा कि ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी। और ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन के सामने हमारे तमाम आमाल हैं, जो आमाल हमने अंजाम दिए हैं, किस खित्ते में अंजाम दिए हैं, किस वक्त अंजाम दिए हैं, किस टाइम अंजाम दिए हैं, किस लम्हे में अंजाम दिए हैं, ये तमाम चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो इस ज़मीन के पास है। क्योंकि ये हर चीज़ देखती है और जैसा इंसान ज़मीन पे बिहेव करेगा वैसा ही ज़मीन की तरफ से जो है वो रिएक्ट भी आएगा और तमाम उमूर जो है इंसान के उस दिन ज़ाहिर हो जाएंगे, चाहे उसने नेकी की है चाहे वो बुराई करने वाला है, ताकि इंसान इनकार ना कर सके, यानी कि सबूत के साथ अल्लाह उस दिन खुदा के सामने पकड़ होगी। और जैसा पिछले वाली जो सूरह थी जो हम लोगों ने पढ़ा, तो एक चीज़ वो भी बता दी थी कि उस रोज़ इंसान के खुद आज़ा और जवाहरे जो उसका साथ नहीं देंगे, आज़ा और जवाहरे यानी कि जो उसके पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं ना, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो भी उसके उसका साथ नहीं देने वाले हैं कि उसके फेवर में बात करें। इंसान के हाथ उसकी बुराई की गवाही देगा, पैर उसे कहाँ लेकर गए थे उसकी गवाही देगा, आँख इसने क्या देखा उसकी गवाही देगा, कान इसने क्या सुना उसकी गवाही देगा, उसकी स्किन उसने किस चीज़ को मस किया है उसकी गवाही देगा, उसके हत्ता के उसके रोए रोए से परवरदिगार आलम जो है सबसे सबसे गवाही दिलाएगा खुदावंद मुताल के उस रोज़ सबके आमाल जाहिर हो जाएंगे। इसीलिए इंसान को हर वक्त दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार आलम हमें दुनिया और आखिरत में परवरदिगार हमारी इमदाद फरमाए, हम पे रहम फरमाए और अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि जो हमारी निजात का बाइस बन सकें अल्लाह के हुजूर। और उस वक्त के जब आमाल ज़ाहिर हो जाएंगे, ये वाली सूरत हाल जो है ना वो ख़ुद भी एक बहुत बड़ा अजाब है, ख़ुद भी एक बहुत बड़े अजाब की हैसियत रखती है कि हर बुराई करने वाले की आखिरी तमन्ना क्या होती है, वो क्या चाहता है कि उसकी बुराई मंजर आम पर ना आने पाए, किसी भी किस्म की बुराई ज़ाहिर ना होने पाए। हर बुरा काम करने वाला उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बुराई किसी को पता न चलने पाए, उस पर पर्दा डला रहे। और अल्लाह दुनिया में पर्दा डालता है परवरदिगार, क्योंकि वो सत्तारुल उयूब भी है और गफ्फारुल ज़ुनूब भी है। और आखिरत में भी अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी बुराइयों पे तो उस रोज़ भी पर्दा डाल देना खुदाया, क्योंकि इंसान जो है वो अपने सरिश्त में बहुत कमज़ोर है। परवरदिगार तेरे दिए हुए अज़ाब से खुदाया हमारा जिस्म हमारी जिल्द उस अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और परवरदिगार आलम उस रोज़ ज़िल्लत और रुसवाई से हमें बचाना खुदावंद मुताल, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मासूम हो, जिससे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं है। हर किसी से कुछ ना कुछ गुनाह ज़रूर सरजद होता है, लेकिन ये अल्लाह का रहम करम है कि अल्लाह ने सबके गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है। फिर वो जो है इंसान बड़े बड़े गुनाह करता है, फिर बाद में अल्लाह अपनी रहमतों का जिक्र भी करता है कि मेरे बंदे अगर तू मेरे पास आता है और सिद्क दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करता है, फिर उन गुनाहों की तरफ पलट कर नहीं जाता है, तो अल्लाह अपने दामन रहमत में ले लेता है। और क्योंकि वो रहमान भी है वो रहीम भी है, तो हमेशा खैर की दुआ अल्लाह से करते रहना चाहिए, क्योंकि उस रोज़ बुराई का ज़ाहिर होना भी एक अज़ाब ही है कि जब सबके सामने शर्मिंदगी का एहसास होगा इंसान को, तो उस रोज़ जो बुराइयां मंजर आम पर आएंगी अल्लाह उससे बचाए। और जिस तरह से हर बुराई करने वाला ये चाहता है कि उसकी बुराई मंजर आम पर ना आए, और हर नेक अमल करने वाले के लिए ये बेहतरीन इनाम होता है कि उसका खैर उसका अमल खैर क़यामत तक महफूज रहे और सारी दुनिया की निगाहों के सामने आ जाए, जो बात क़यामत में हो जाएगी। यानी कि अगर अच्छा किया है तो अच्छाई सामने आएगी, और अगर बुरा किया है तो बुराई सामने आएगी। और क्या है
ये हर बुरा काम करने वाला, हर गलती करने वाला, हर गुनाह करने वाला ये चाहता है कि उसके आमाल जो है सबके सामने न आए, और हर नेकी करने वाला ये चाहता है, जिसने अच्छे आमाल किए वो चाहता है कि उसके अमल खैर जो है वो महफूज हो जाए, और क़यामत तक के लिए कि जब ताकि क़यामत आ जाए उसके अमल जो है वो ज़ाहिर हो जाए। इसीलिए कहा गया कि इंसान को नेक अमल करते रहना चाहिए और ये फिक्र नहीं करना चाहिए कि अमल की चर्चा हो जाए, क्योंकि अल्लाह जो है वो ख़ुद इंसान के अमल का देखने वाला है और उसके और उसका ज़िक्र जो है वो अल्लाह करने वाला है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है वॉइस? ओके ठीक है, बीच में कॉल आ गई थी जिसकी वजह से होता क्या है कि फिर आवाज़ नहीं जाती है सामने। ठीक है, फिर इसके बाद आगे की जो आयत है उसमें देखते हैं। وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, قَالَ الْإِنسَانُ سے مراد کیا ہے کہ بعض جو مفسرین ہیں یعنی جو تفسیر بیان کرنے والے ہیں, جو بعض مفسرین ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا میں قَالَ الْإِنسَانُ سے مراد یہ ہے کہ یہ بات کافر حیرت کی بنیاد پر کہے گا, کہ جو کافر ہے وہ یہ سوچے گا کہ یہ क्या हो रहा है, उसे क्या हो गया है जो काफिर होगा। और उसके अलावा ये भी किया कहा जाता है कि मोमिन इस वाक़े की अजमत की इस वाक़े की अजमत के पेश नज़र कहेगा कि ये क्या हो गया है, कि उस रोज़ जो है हर इंसान जो है अपने अपने एतबार से इस्तफ़सार करेगा, एक उसके जहन में क्वेश्चन उठेगा और वो कहेगा कि आखिर ये आखिर उसे क्या हो गया है। फिर उसके बाद जो है अश्तात, अश्तात के मायने क्या होते हैं, अश्तात जो है वो शतीद की जमा यानी मुतफर्रिक, अलग अलग, मुतफर्रिक यानी के अलग अलग। तो उस रोज़ क्या होगा, अश्तातल यहाँ पे कहाँ है इसमें, यौम इदिन तो हद्दिसु अखबार है, सॉरी मैंने अगली आयत का आप लोगों को बता दिया, यौम इदिन तो हद्दिसु अखबार है कि उस दिन वो अपनी ख़बरें बयान करेगी। ठीक है, कौन बयान करेगा, ज़मीन बयान करेगी तमाम चीज़ों को, तमाम राजों को ये ज़मीन बयान कर देगी। अच्छा, कल वाली जो परसों जो हम लोगों ने सूरह पढ़ी थी, सूरह अलकारे, उसमें एक बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी क्या था कि पहाड़ की क्या हाल, पहाड़ का आलम क्या होगा, याद है किसी को कुछ, किस रोज़े क़यामत पहाड़ का क्या आलम होगा? जी, और किस तरह से उड़ेगा, धुनी हुई रुई, है ना, धुनकी हुई रुई के वो रुई कितनी लाइट वेट हो जाती है, सब कुछ उड़ने लगता है फजा में। तो अल्लाह जो है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड इसमें भी परवरदिगार आलम जो है वो जिक्र कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद भी अन्न रब्बका औहा लहा, फिर उसके बाद कि तुम्हारे परवरदिगार ने इसे इशारा किया, यौम इदिन यसदुरुन्नास अश्तातल लियुरौ आमालहुम, फिर क्या होगा, उस रोज़ सारे इंसान गिरोह दर गिरोह कब्रों से निकलेंगे, कब गिरोह दर गिरोह यानी मुतफर्रिक यानी बिल्कुल बिखरे हुए, बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल बिखरे हुए से अपनी कब्रों से बरामद होंगे। अश्तात के मायने हैं मुतफर्रिक यानी अलग अलग तरह से, अलग 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 गिरोह में उस दिन कब्रों से अपनी बरामद होंगे और अपने आमाल को देख सकेंगे। कैसे देखेंगे कि ज़मीन जो है वो तमाम चीज़ें फर्राटे से इंसान की जितनी जितने उसके आमाल थे उन तमाम चीज़ों को बयान करेगी। फिर फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, के फिर जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर नेकी की है वो उसे देखेगा, और उसके बाद और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की है वो उसे देखेगा। यानी उस रोज़ परवरदिगार आलम का जो मीज़ान है वो इस तरह होगा
कि अगर किसी ने जर्रा बराबर भी बुराई की है, जर्रा इसमें जो एक एक जो एक जो वर्ड दिया है जर्रा, जर्रा जर्रतिन खैरन यरा, तो उसके मायने क्या, जर्रा उसे कहते हैं कि हवा में उड़ने वाले जो गुबार होते हैं, जो हवा में उड़ने वाले गुबार को भी कहा जाता है, और जर्रा जो है वो चींटियों को भी कहा जाता है कि चींटियां भी उसके भी वो छोटी छोटी छोटे छोटे जर्रात की मानिंद ज़मीन पे नज़र आती हैं। एक मीनिंग वो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग है, ये भी है कि हवा में उड़ने वाले गुबार को जर्रा कहते हैं। आप सोचिए कि कितना, जब कभी आंधी आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर आप आपकी आँख खुली रहेगी तो न जाने कितने आँख में चले जाते हैं और कितनी तकलीफ होती है, कितने छोटे छोटे से होते हैं। तो जर्रा बराबर अल्लाह ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है इंसान को समझाने के लिए कि जर्रा बराबर भी अगर उसने अमल खैर किया है तो फिर वो उसे देखेगा। मुमिन मुमिन यामल मिसकाल जर्रतिन शर्रन यरा, और अगर उसने जर्रा बराबर भी शर किया है तो वो उसे भी देखेगा। तो परवरदिगार आलम ने इसमें वाज़ह तौर पे बता दिया, क़यामत का जिक्र कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को, और इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान हर वक्त, हम सब को चाहिए कि अल्लाह से हम पनाह मांगते रहें, परवरदिगार के गैज़ो गज़ब से हम पनाह मांगते रहें, क्योंकि हम कमज़ोर इंसान हैं और ऐसे कमज़ोर इंसान हैं कि हमें तो अपनी मौत का भी पता नहीं है, हमें उसका भी यकीन नहीं कि कब कौन किसकी कहाँ मौत आ जाए, और हमारा जो अगला कदम है वो क्या होने वाला है, आइंदा मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, हमारा मुस्तकबिल कैसा है, हमें कुछ भी नहीं पता है। और हम वो हैं कि ज़रा सी तकलीफ़ भी, अगर हमको कांटा भी चुभ जाता है तो हमें किस कदर तकलीफ़ महसूस होती है। आप सोचिए कि अगर ज़रा सा उंगली में थोड़ा सा कट लग जाता है ना, तो पूरी रात हम बेचैनी में गुजार देते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। या कभी छाला, एक छोटा सा छाला भी पड़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उस गर्मी का तसव्वुर करें, अल्लाह से इंसान परवरदिगार से पनाह तलब करे कि अल्लाह उस क़यामत की गर्मी से, उस जहन्नम की गर्मी से हमारी जिल्दों को अल्लाह महफूज रखे, कि हमारी जिल्दें जो है वो बहुत कमज़ोर हैं। खुदावंद करीम, तेरा आताब बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है हमारी जिल्दों में, जो हम दुनिया की छोटी सी चिंगारी को नहीं बर्दाश्त कर पाते अपने जिस्म पे, छोटी सी तकलीफ़ को हम अपने जिस्म पे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो परवरदिगार आलम, उस रोज़ कि जब तेरा अजाब होगा, उस अजाब को हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, परवरदिगार हम पे रहम फरमा। मोहम्मद आल मोहम्मद के सदक़े में खुदावंद करीम हम सब के ऊपर अपना फ़ज़ल करम बनाए रखे, और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तू अपने अदल से नहीं बल्कि अपने फ़ज़ल से हमें बख्श देना, क्योंकि अल्लाह जब अदल से बख्शेगा तो फिर हम में से कोई जन्नत का हकदार हो ही नहीं सकता। अगर फ़ज़ल व करम से बख्शेगा तो खुदावंद करीम, कहीं ना कहीं हम भी आस लगाए हुए हैं अल्लाह कि तू बेशक हम सब को मुआफ़ कर देने वाला है, और अल्लाह हमें अमल खैर की तौफीक दे। और ये कुरान मजीद जो सरापा हिदायत है, परवरदिगार हम इसकी तिलावत करते हैं, इसका तर्जमा, इसकी तफसीर जो हम अपने छोटे जहनों से जो समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उसे कबूल करे, जो भी गलतियाँ हुई हों अल्लाह उसे मुआफ़ करे, और इस किताब पे और सीरत अम्मे ताहरीन अलैहिस्सलाम पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين। 2:36 हो गया, खहर ज़िया की क्लास का टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। और